सभी को नमस्कार। एमआर से केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा अणुसंख्यक गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान में संबंध। इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले देखते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, तो विलयनों के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा यानी विलय के अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यानी विलयन के वे गुण जो उसमें विलय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करें, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो क्या संबंध निकलता है इसमें? अणुसंख्यक गुण समानुपाती कणों की संख्या, अणुसंख्या गुणधर्म समानुपाती कणों की संख्या, यानी विलय के कणों की संख्या बढ़ने पर अणुसंख्यक गुण बढ़ेंगे। एक दूसरा संबंध होता है अणुसंख्यक गुण व्युत्क्रमानुपाती विलय का अणुभार, यानी विलय का अणुभार बढ़ने पर अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं? घटने लगते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट संबंध है, इसको आप ध्यान रखें, किसी भी कंपटीशन और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं अणुसंख्यक गुण कौन कौन से होते हैं। तो अणुसंख्यक गुण होते हैं अपने चार। वो कौन कौन से होते हैं? तो नंबर एक है अपना वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। नंबर एक है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, नंबर दो है अपना क्वथनांक में उन्नयन। नंबर तीन है हिमांक में अवनमन। और नंबर चार अपना परासरण दाब। तो ये चार अपने अणुसंख्यक गुण है, अपन बारी बारी से इन चारों का अध्ययन करते हैं। तो नंबर एक देखते हैं अपन वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो मैंने अवनमन का राउल्ट के नियम में बताया था कि अवनमन का अर्थ होता है कमी। अवनमन का क्या अर्थ होता है? कमी। वो वाष्प दाब में कमी कैसे आती है, उसके संबंध में राउल्ट के नियम कहा था जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो विलयन के वाष्प दाब में कमी को कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो उस संबंध में राउल्ट ने कहा था कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। और उस संबंध निकला था अपना पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए बराबर एक्स बी। पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए बराबर एक्स बी। यहां पी नोट ए शुद्ध विलय के वास्तव को प्रदर्शित करता है और पी नोट ए विलयन के वास्तव को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसका एक संबंध कहलाता है वास्तव में अपेक्षित अवनमन, और एक्स बी है विलय की मोल भिन्न। ठीक है, चूंकि उसमें तो अपन जानते हैं कि एक्स बी बराबर होता है, एक्स बी बराबर होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी विलयन की कुल मोल भिन्न। में टॉपिक पढ़ा था जिन कुल मोल भिन्न किसी यौगिक की मोल भिन्न उस यौगिक की मोल संख्या और कुल मोल संख्या के बराबर होती है। तो विलयन दो घटक मान लिए मैंने, एक मान लिया ए और एक दो मान लिया मैंने बी। अब बात करते हैं कि किसी यौगिक की मोल संख्या कैसे निकलती है। तो किसी यौगिक की मोल संख्या उसके बाहर निकल जाए तो उसका अणुभार, तो एन बी बराबर क्या हो सकता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन एन ए को क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस एम बी को फिर लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, तो जहां आपने एक्स बी की वैल्यू लिखी है अपन यह वैल्यू लिखते तो क्या लिख हो जाएगा अपना? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन
डब्लू ए अपॉन एम ए प्लस डब्लू बी अपॉन एम बी बराबर पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। ये अपना संबंध निकल गया है, क्योंकि हम जानते हैं तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए यानी जिसमें घुले वाले पदार्थ की मात्रा नगण्य हो या कम हो उसे क्या बोलते हैं तनु विलयन। तो तनु विलयन में के लिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज वेरी वेरी लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यानी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की तुलना में डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की मात्रा का नगण है, न के बराबर है। किस वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, नगण मान सकते हैं। इस डेरिवेशन में क्या हो जाएगा अपना आगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ये वैल्यू अपन क्या हो जाएगी इस तुलना में नगण, तो क्या बचेगा अपना डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। अब इसमें देखना एक दो तीन चार, एक और चार आपस में बढ़ो तो क्या होगा अपना डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए बराबर पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। यानी इस संबंध से आप किसी भी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल वास्तव अपेक्षण अनुभाव अपना जो संबंध था वो ये निकलता है। ठीक, अगर अब आप इसके विलय का अनुभाग एम बी की वैल्यू निकलाएं तो आप इसके एम बी की वैल्यू निकाल कर आप किसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार आपने जो पहला अनुसंधिक दाब वास्तव में अपेक्षक का उन्नमन वो कंप्लीट हुआ। तो इससे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अपने इस फॉर्मूले से निकलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अब अनुसंख्यक गुण होगा नेक्स्ट वीडियो में।